दोस्तों कर दिया है गूगल ने गूगल पिक्सल 3 और पिक्सल 3 एक्सेल को लॉन्च बनाया है मैंने इसका रिव्यू आप यहाँ पे कार्ड दे दूंगा आप देख सकते हो ये जो वीडियो है दोस्तों इसको बनाएंगे अपन प्रोज एंड कॉन वीडियो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ज्यादा कुछ करते नहीं इसके अंदर वीडियो को मैं दो भागों में डिवाइड कर दूंगा पहला जो प्रो रहेगा दूसरा जो रहेगा कौन रहेगा कि आप इसका मतलब ये दोस्तों कि आप गूगल पिक्सल आपने क्यों खरीदना चाहिए गूगल पिक्सल 3 एक्सेल आपने क्यों खरीदना नहीं चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों दोनों वेरियंट्स की बात करते हैं गूगल पिक्सल 3 गूगल पिक्सल 3 एक्सेल। पहले बात करते हैं प्रोज की दोस्तों तो प्रोज में क्या आता है तो दोस्तों प्रोज में आपको इसके अंदर मिलता है दोस्तों 5.50 इंच का फुल्ली नॉच डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों गूगल पिक्सल 3 एक्सेल में आपको मिलता है 5.50 इंच का फुल्ली नॉच डिस्प्ले जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा बहुत बड़ी रहेगा दोस्तों। गूगल ने फर्स्ट अपना नॉच डिस्प्ले लॉन्च किया जिसके अंदर आपको दिखाया है एस एमुलेट डिस्प्ले जो कि सैमसंग की इन्वेंशन है दोस्तों जिसके अंदर आपको मिलते हैं कलर वाइब्रेंट्स बहुत अच्छे और आप सुपर शार्प क्वालिटी के वीडियोस एंजॉय कर सकते हो डिस्प्ले भी एंजॉय कर सकते हो। आगे बात करूँ दोस्तों इसके प्रोसेसर की दोस्तों तो दे क्या रहा है आपको इसके अंदर दे रहा है दोस्तों आपको इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845। जी हाँ दोस्तों फ्लैगशिप फिलर प्रोसेसर है दोस्तों ये वर्क करता है 2.5 GHz के ऑक्टाकोर के ऊपर और इसका GPU जो दोस्तों है वो ज़्यादा बहुत पावरफुल GPU दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों Adreno 630 GPU। जी हाँ दोस्तों Adreno 630 GPU पे ये वर्क करता है जो कि आपको फुली पावर एफिशिएंट वर्क देगा दोस्तों और आपके यूजेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। वीडियो को मैं डिवाइड कर चुका हूँ दोस्तों अपने पॉइंट्स के हिसाब से तो मैं आपको आगे जाके आगे कुछ और बातें बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में तो बात करते हैं कैमरे की दोस्तों कैमरे आपको क्या दे रहा है दोस्तों 12.2 MP का पीछे सिंगल कैमरा दे रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आप इसे कम ना आके दोस्तों भले इसे दो कैमरे पीछे ना हो दोस्तों पर 12.2 MP का जो कैमरा है दोस्तों उसका जो एपर्चर है दोस्तों वो 1.8 का है। जी हाँ दोस्तों वो कि 1.4 माइक्रॉन है पिक्सल पे चलता है दोस्तों जिसके अंदर आपको दे रहा है ड्यूअल टोन ड्यूअल LED फ्लैश। जी हाँ दोस्तों जिसके अंदर ड्यूअल टोन फ्लैश रहेगा दोस्तों जो आप पीछे कैमरा मिल रहा है दोस्तों उसको भी इसके अंदर आपको ड्यूअल कैमरा जितनी अच्छी शार्प क्वालिटी की पिक्चर मिलेगी दोस्तों। हालांकि आप इसे नज़र अंदाज मत कीजिए दोस्तों सेल्फी कैमरे की बात करते हो दोस्तों इसके सेल्फी कैमरे में आपको मिलता है दोस्तों दो सेल्फी कैमरे मिलते हैं गूगल पिक्सल 3 एक्सेल में आपको जिसके अंदर जो पहला जो कैमरा दिया गया है उसका मॉडल है 8 MP का दूसरा कैमरा दिया है उसका मॉडल है 8 MP का। जी हाँ दोस्तों दोनों भी आपको कैमरे 8 MP के मिलते हैं दोस्तों। हालांकि कैमरे की और अच्छी बात करते हो दोस्तों इसके अंदर आप फुली HDR रिकॉर्डिंग करते हैं दोस्तों 4K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों आप 30 FPS इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी और एक अच्छी बात बताओ दोस्तों इसके अंदर आपको क्या मिलता है दोस्तों मिलता है आपको OIS। जी हाँ दोस्तों बड़े बड़े स्मार्टफोन में पहचाना जाने वाला ये अच्छा हार्डवेयर OIS ऑप्टिकल इमेजिस्ट आपको मिलता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसके लिए आप स्टेबल रिकॉर्डिंग कर सकते हो ब्लॉगिंग कर सकते हो और अच्छी वीडियो निकाल सकते हो दोस्तों। हालांकि आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। आगे जाके बात करना चाहूँगा दोस्तों इसके और कैमरे के वीडियोज़ के बारे में कैमरे के अंदर आपको मिलता है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड आप फोटो आप निकाल सकते हो दोस्तों। हालांकि ब्लर बैकग्राउंड रोकी इफेक्ट सभी तरह के आप चीज़ें आपको इसके अंदर कैमरे के अंदर मिल जाएंगी। आगे जाके इसकी बात करता हूँ दोस्तों तो इसके अंदर आपको मिलता है दोस्तों सिंगल सिम डिवाइस दोस्तों और जो हालांकि मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक जो सिम है उसके अंदर एक eSIM में चलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों स्लॉट रहेगा इसके अंदर सिंगल सिम का दूसरा सिम का जो स्लॉट है दोस्तों वो eSIM रहेगा दोस्तों। हालांकि eSIM के बारे में आप अगर कुछ जानना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपको कार्ड दे दूंगा दोस्तों आप वो कार्ड पर जरूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो और eSIM के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए दोस्तों। आगे जाके इसके अंदर बात करता हूँ दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट फीचर जो रह गया था कैमरे के अंदर इसके अंदर मिलता है आपको AI कैमरा। जी हाँ दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके हिसाब से आप अगर कोई चीज़ की फोटो निकाल रहे हो तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलर वाइब्रेंट सैचुरेटेड कलर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा दोस्तों और आपको जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी दे देगा दोस्तों। आगे जाके बात करूँ पिक्सल 3 के बारे में दोस्तों तो फ्रंट कैमरे की बात करते हैं दोस्तों 8.1 MP कॉम्बिनेशन मैंने आपको जैसे बोला कि है तो पहले इसके अंदर आपको मिलता है दोस्तों एपर्चर जो है 2.2 का उसके अंदर मिलता है दोस्तों 1.8 का। जी हाँ दोस्तों हालांकि आप इसके अंदर बहुत ही अच्छी सेल्फी खींच सकते हो दोस्तों और आपको फुल्ली ब्लर बैकग्राउंड और आपको वाइड एंगल मिलता है दोस्तों जिसके कारण आप बड़े एंगल से फोटो खींच सकते हो दोस्तों। और एक इसके अंदर एक क्लोज ऐड हो चुका है दोस्तों। आगे जाके इसके और एक चीज़ की बात करता हूँ दोस्तों तो इसके अंदर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों जिसके अंदर आपको आता है फेस लॉक जैसे कि मैंने बताया आपको AI है तो फेस लॉक है। जी हाँ दोस्तों फेस लॉक इसके अंदर इनबिल्ट आता है दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर इनबिल्ट मिल जाता है दोस्तों। हालांकि मैं सेंसर की बात करता हूँ एक्सेलरोमीटर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी सेंसर और जितने भी सेंसर है दोस्तों जो कि अभी स्मार्टफोन में आते हैं दोस्तों फ्लैगशिप फिलर डिवाइस में
वो सभी इसके अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और ये आपको बहुत बड़ी फ़ोन रहेगा दोस्तों। जैसे कि हमें इसके अंदर बात कर सकते हो दोस्तों, आप जैसे ही फोन करोगे उसके अंदर आपको एंड्रॉयड 9.0 यानी बाय अपडेट आ चुका होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छा अपडेट मिलता है दोस्तों। और अगली प्रोसेस में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर बात करते हैं स्टीरियो स्पीकर की। जी हाँ दोस्तों, ऊपर टॉप में आपको एक स्पीकर दिया गया है और नीचे भी आपको स्पीकर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर दो स्पीकर है दोस्तों। ऊपर का जो स्पीकर है इसके अंदर आपको माइक्रोफोन भी रहेगा, इसके अंदर आपको कॉलिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हो, एज अ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। नीचे जो दिया है वो ड्यूल स्पीकर है दोस्तों, इसके आपको स्टूडियो स्पीकर इफेक्ट मिलता है दोस्तों। आपको ड्यूल स्पीकर इफेक्ट मिलेगा दोस्तों। साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी इम्प्रूव मिलेगी दोस्तों, जो कि गूगल ने अपने फ्लैगशिप डिवाइस में इंसर्ट किया है दोस्तों। ये रहे दोस्तों मेरे रोज इसके अंदर के, चलते हैं अभी कॉन्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स के अंदर बात करने जाओ दोस्तों, तो मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले बैटरी के ऊपर। तो दोस्तों गूगल ने क्यों निगलेक्ट किया है चीज़ों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। हालांकि फ्लैगशिप डिवाइस अगर आप किसी को बोलते हो तो बैटरी भी उसके अंदर फ्लैगशिप जैसी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो पर गूगल ने इसके अंदर सिर्फ 3000 mAh की बैटरी दी है दोस्तों। 1 डे ऑफ यूजेस हो सकता है ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों, पर शायद मेरे हिसाब से इसके अंदर 1 डे ऑफ यूजेस बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। आपको चार्जिंग करने की ज़रूरत फिर से गिर सकती है दोस्तों। तो एक कॉन मुझे लगता है जिसके अंदर आप एक इशू फेस कर सकते हो, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं दोस्तों। आगे बात करने जाओ तो दोस्तों इसकी ग्लास बैकग्राउंड की। जी हाँ दोस्तों, ग्लास डिजाइन आपको सबको पसंद तो आता है दोस्तों, और आपको यूज़ करने में भी अट्रैक्टिव दिखता है दोस्तों, दिखने में भी अट्रैक्टिव दिखता है। पर मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देती है दोस्तों कि वो स्लिपरी ग्लास बैकग्राउंड, आप बिना कवर के इस फोन को यूज़ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि ब्लैक ग्लास बैकग्राउंड जो है वो स्लिपरी होता है, और आपके हाथ से अगर गिर जाए तो वो टूटने की संभावना 100% रहती है। तो इसके अंदर ग्लास बैक दिया है दोस्तों, तो उन्होंने कुछ ना कुछ छोटा चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए थी। ग्लास बैग देने से अच्छा उन्होंने दूसरे कुछ प्लास्टिक बैग दे सकते थे वो, ये मुझे लगता है दोस्तों। तीसरी बात करना चाहूँगा दोस्तों, आपके साथ जो ग्लास बैग दिया है उन्होंने, अगर आप स्मार्टफोन को उसके हाई पोटेंशियल यूज़ करते हो, यानी आप पबजी टाइप गेम खेलते हो या और कुछ चीज़ें करते हो रिकॉर्डिंग, तो फोन ज़्यादा गर्म होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गर्म होगा, और पीछे दिया है ग्लास बॉडी, तो आपकी हीट ट्रांसफर जो है वो जल्दी फास्ट होगी दोस्तों, क्योंकि ग्लास बॉडी से हीट जल्दी ट्रांसफर होने के कारण आपका फोन जल्दी गर्म भी हो सकता है दोस्तों। गर्म होने के कारण आप सोचेंगे दोस्तों कि मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम है, फ़ोन खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ फोन से का प्रॉब्लम जो है वो कुछ भी नहीं दोस्तों, होता है वो ग्लास के कारण गर्म दोस्तों। तो उसके अंदर जो है वो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी या जेल कूलिंग टेक्नोलॉजी कुछ भी दिया गया नहीं है दोस्तों। इसके लिए मुझे ये चीज़ एक कॉन में ऐड करनी पड़ रही है दोस्तों। तो ये थे मेरे ओपिनियन दोस्तों गूगल पिक्सल 3 और गूगल पिक्सल 3 एक्सेल के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, अगर नहीं भी पसंद आई तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपके लिए मैं नए नए वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली बार।